एक्चुअली मैंने फॉर फीचर का जो सेक्शन लिखा था, फॉर फीचर का जो सेक्शन, ठीक है, तो यहाँ फॉर फीचर सेक्शन में गलती से गलत लिख दिया था, सेक्शन 51 है, ठीक है। इसका सेक्शन क्या है? एक्चुअली 51 है, फॉर फीचर ऑफ एडवांस अमाउंट का सेक्शन क्या है? 51, और एक्ट 56(2) है, इस चीज का, ठीक है। कल जल्दबाजी के अंदर ये अदर सोर्सेस का सेक्शन बनना है, कैपिटल गेन में लिख दिया था, तो रेक्टिफाई इट नाउ। नेक्स्ट एंड वेरी आईएमपी सेक्शन, सेक्शन 50B, स्लम सेल मोस्ट आईएमपी सेक्शन है। चलिए एक ही चीज की बात करते हैं आराम से, शांति से ना। सबसे पहला क्वेश्चन का, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। आपके बिजनेस में लैंड एंड बिल्डिंग पड़े हैं, प्लांट एंड मशीनरी, बिजनेस स्टॉक नहीं है, कोई बिजनेस का स्टॉक नहीं है, ये आपके लिए बिजनेस में यूज आने वाली एसेट है ना, प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर। तो अगर मैं इनको ट्रांसफर करता हूं, तो मुझे कैपिटल गेन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर अगर मैं इनको इंडिविजुअली, जैसे प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, या लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी, तो कैपिटल गेन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस और नो? भाभी का देखो, अगर हमारे बिजनेस में कोई एसेट काम आ रही, सुनना, जैसे बिजनेस में लैंड एंड बिल्डिंग काम आ रही है, प्लांट एंड मशीनरी काम आ रही है, फर्नीचर काम आ रहा है, अगर मैं उसको बेचता हूँ, तो ऑब्वियसली देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने अब तक पढ़ा हुआ क्या है, अगर कोई एसेट पर्सनल यूज में आती है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। कोई भी एसेट जो पर्सनल यूज में आ रही है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। तो अगर पर्सनल यूज में आती है तो कैपिटल एसेट नहीं है, तो उसका यूज कौन सा होना चाहिए? ऑब्वियसली बिजनेस या अदर देन पर्सनल। अदर देन पर्सनल मतलब क्या हो गया? बिजनेस। तो अगर बिजनेस के यूज में आ रही है, अगर बिजनेस के यूज में आ रही है, ठीक है, तो इन दैट केस अगर कोई एसेट है जो बिजनेस के यूज में आती है, तो इन सच केस वो एसेट अगर आप बेचते हो इंडिविजुअली तो कैपिटल गेन होगा। There will be capital gain. But on other hand, मैं अगर बेचता हूं डेटर स्टॉक, अगर इन चीजों को बेचता हूं, अगर मैं इन चीजों को बिल्कुल इंडिविजुअली बेचता हूं, तो क्या मुझे कैपिटल गेन होगा क्या? अगर मैं इन चीजों को, बिजनेस का स्टॉक है या डेटर्स वगैरह है, इनको अगर बेचता हूं,
तो क्या मुझे कैपिटल गेन होगा क्या? नहीं, यहां पे मुझे बिजनेस इनकम होगी ना कि कैपिटल गेन। आई बात समझ में? अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, व्हाट इज स्लम सेल। ठीक है, अब हमारे टॉपिक की बात करते हैं, व्हाट डू मीन बाय स्लम सेल। स्लम सेल, ठीक है। स्लम सेल का मतलब क्या है? अगर कोई एसएससी ट्रांसफर द एंटायर बिजनेस एंड डिवीजन फॉर लमसम कंसिडरेशन, विदाउट असाइनिंग सेपरेट वैल्यूज फॉर एनी एसेट। अगर कोई बंदा है वो अपना एंटायर बिजनेस अगर एक ही प्राइस पे बेच देता है, ठीक है, बिना किसी भी एसेट की सेपरेट प्राइसिंग किए हुए, जैसे समझना, उर्वी और साक्षी, ठीक है, दो जने हैं, ठीक है। ये उर्वी की बैलेंस शीट दे रखी है जिसके अंदर फर्नीचर है 2 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी है 3 लाख की, लैंड एंड बिल्डिंग है 5 लाख की, डेटर्स है 1 लाख के और स्टॉक है 5 लाख का, ठीक है। और इधर दे रखा है कैपिटल 10 लाख, क्रेडिटर सॉरी कैपिटल 12 लाख और ये क्रेडिटर्स 4 लाख। ठीक है, दूसरी तरफ साक्षी की बैलेंस शीट विच इज शोइंग लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, फर्नीचर एंड फिक्सचर 3 लाख, डेटर्स 2 लाख एंड स्टॉक 2 लाख। ठीक है, कैपिटल इज 12 लाख एंड क्रेडिटर्स आर 3 लाख। चलो अब हुआ क्या, समझना बात को। उर्वी ने ना अपने बिजनेस के एसेट्स को सेपरेटली सेल किया। सेपरेटली कैसे सेल किया? फर्नीचर बेचा ए को, फर्नीचर ए को बेचा 3 लाख में, प्लांट एंड मशीनरी बेची बी को 4 लाख में, लैंड एंड बिल्डिंग बेची सी को 4 लाख में,
ठीक है। इसके बाद में डेटर्स बेचे डी को 1.5 लाख में और स्टॉक बेचा एफ को 4 लाख में। हर एक बिजनेस को बिल्कुल हर एक एसेट को बिल्कुल सेपरेटली बेचा है। तो इन सच केस ये जाएगा आपके कैपिटल गेन में, ये भी जाएगा कैपिटल गेन में और ये भी जाएगा कैपिटल, क्योंकि सारी कैपिटल एसेट्स है ना, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, सब कैपिटल एसेट्स है। डेटर्स और स्टॉक को बेचा तो ये जाएगा बीएनपी में, ये सब किसमें जाएंगे, पीजीबीपी में आपके। आई बात समझ में? तो अगर आप एसेट्स को सेपरेटली बेचते हो तो वो जिस हेड में जाने उसी हेड में जाएंगे। बट साक्षी ने क्या करा, अब सॉरी उर्वी का क्या सीन था, यहां से जो पैसा है उनमें से जो यहां से इन सब जगह से जो पैसे आए उर्वी के पास में, वहां से पेमेंट मतलब कुल मिला के क्रेडिटर्स को इसने पे कर दिए, उर्वी ने खुद से पे कर दिए 3,50,000, 3,50,000 पे कर दिए उर्वी ने, फाइनली बात खत्म, बस ऑल सेट। लेकिन साक्षी ने क्या करा, साक्षी ने बोला कि यार एक एक एसेट्स बेचने कौन जाएगा। साक्षी ने ये सोचा कि एक एक एसेट बेचो, कस्टमर मिले नहीं मिले कंफ्यूजन के चक्कर में साक्षी ने डिसाइड करा कि ये एंटायर बिजनेस ठीक है, एंटायर बिजनेस का मतलब ये हुआ ये सारी चीजें, सोल्ड टू ए फॉर रुपीज 14 लाख, बिना किसी की सिंगल वैल्यू असाइन किए, कोई एसेट्स की, किसी भी लाइबिलिटीज की कोई सिंगल वैल्यू असाइन नहीं करी। साक्षी ने बोला भाई ये बैलेंस शीट पड़ी है, ये एसेट्स है, ये सब चीजें हैं और इतनी लाइबिलिटीज है, मैं ये बेच रही हूं। तो अब ये जो एक्टिविटी हुई इसको बोलते हैं हम लोग स्लम सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लम सेल। अगर कोई पर्सन, कोई एसएससी अपना पूरा बिजनेस एक सिंगल प्राइस के ऊपर बेच दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लम सेल। और ये स्लम सेल पूरा किस में जाएगा, अब कैपिटल गेन में, मतलब डेटर्स भी कैपिटल गेन में, स्टॉक भी कैपिटल गेन में, क्रेडिटर्स भी कैपिटल गेन में आ गए। तो अगर कोई एसएससी अपना पूरा बिजनेस एक ही प्राइस पे बेच देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लम सेल, जिसमें किसी भी एसेट्स की कोई सिंगल प्राइसिंग डिसाइड नहीं होगी। तो एक तरफ उर्विन अपना बिजनेस सेपरेटली बेचा तो जो कैपिटल एसेट्स थी वो तो कैपिटल गेन में गई, डेटर्स स्टॉक जो थे वो बीएनपी में गए। बट दूसरी साइड साक्षी ने अपना पूरा बिजनेस एक ही साथ बेच दिया बिना किसी एसेट की सेपरेट प्राइसिंग किए, तो किस में जाएगा, कैपिटल गेन में। क्लियर है, स्लम सेल का मीनिंग समझ में आ गया सबको? इफ नॉट देन रेज योर हैंड। तो कैलकुलेशन क्या होगी, मेन पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। नेचर के लिए 3 साल देखने हैं, मतलब अगर बिजनेस, जो बिजनेस है वो 3 साल से कम चला है, मतलब 2 साल बिजनेस करके बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, और अगर बिजनेस 3 साल बाद बेचा है तो लॉन्ग टर्म।
नॉर्मल सेल हो गए ना उर्वी, आपने जो बेचा वो तो नॉर्मल सेल हो गए ना, बिल्कुल आप जो बेच रहे हो नॉर्मल सेल हो, साक्षी वाली स्लम सेल है, दो ही तो सेल हुई बस। ओके, शेल वी मूव अहेड। देन कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कैसे डिसाइड होगा भाई, अगर बिजनेस 3 साल से कम चला है तो शॉर्ट टर्म और नहीं तो लॉन्ग टर्म। ठीक है सर, तो कैलकुलेशन कैसे होगा, तो फेयर वैल्यू, सॉरी कंसिडरेशन रिसीव्ड, जो भी आपको कंसिडरेशन मिला है, जो भी कंसिडरेशन मिला है लमसम वाला वो यहां आ जाएगा, लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो ये हो जाएगी आपके लिए नेट सेल से नेट कंसिडरेशन। लेस नेट वर्थ और नेट वर्थ की बात क्या आ जाएगा आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल की। तो नया वर्ड आया आप लोगों के लिए नेट वर्थ, तो देखो नेटवर्थ क्या होगी, नेटवर्थ बेसिकली एसेट्स, एसेट्स में दो तरह की एसेट्स होगी, डेप्रिसिएबल एसेट्स है तो उनकी लेनी है WDV। ठीक है, वो भी कैसे, एज पर इनकम टैक्स, और अगर अदर एसेट्स है कोई भी तो उनकी लेनी है बुक वैल्यू। ठीक है, अगर एसेट्स लेनी है आपको, एसेट्स में अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स है जैसे प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर तो उनकी लेनी है WDV, और अदर एसेट्स में बुक वैल्यू, और मेक श्योर रिवैल्यूएशन का ध्यान नहीं रखना है। तो सिंपली अगर मैं बोलूं जिनकी WDV दे रखी है उनकी WDV दो, जिनकी WDV दे रखी है उनकी WDV ले लो, जिनकी WDV नहीं दे रखी है उनकी बुक वैल्यू ले लो। क्लियर है, क्लियर है क्या? नेक्स्ट ऐसी कोई एसेट्स है
एसेट्स ऑन विच 100% दिस इज 100% डिडक्शन रिसीव्ड अंडर सेक्शन 35। याद है साइंटिफिक रिसर्च वाला, साइंटिफिक रिसर्च इन होम एमएमएस वाला पॉइंट। तो जैसे आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए मशीन खरीदी तो उसी साल पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। अब जब उसी साल पूरी डिडक्शन मिल गई है तो इनकी वैल्यू क्या रखनी है आपको, जीरो। तो देखो WDV गिवन है तो आपको क्या लेनी है, WDV। नहीं गिवन है तो बुक वैल्यू, और अगर 35AD या 35 के अंदर डिडक्शन क्लेम कर लिया है तो वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। रिवैल्यूएशन को कंप्लीटली क्या करना है, इग्नोर। तो ये हो गए आपके टोटल लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और उसकी भी क्या लेनी है, बुक वैल्यू। तो ये आ जाएगी आपके नेट वर्थ। ये क्या आ गई, नेट वर्थ।